नमस्ते गुरु और गुरु और मेरा प्रश्न ये है कि हर माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा सोचती है कि उसको बहुत अच्छा ससुराल मिले और हर सास उसको अपनी बेटी बनाकर रखे लेकिन जब उसी के घर में बेटी किसी की बहू बन के आती है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो उसको बेटी नहीं समझना चाहती उसको बहू ही समझती है तो हर सास को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो माँ बन जाए और हर बहू को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो बेटी बन जाए सास को चाहिए कि अपनी बहू को इतना प्यार दे कि अपने माइके का फोन नंबर भी भूल जाए और बहू को चाहिए कि अपनी सास को इतना बहुमान दे कि दूसरे में दूर बैठी भी अपनी बेटी का नाम भी भूल जाए तब देखो जीवन में क्या होता है देखो, सास को क्या रखना चाहिए रुख एक मुंबई की संभ्रांत परिवार की महिला बाजार में साड़ी खरीदने के लिए गई जिस दुकान में साड़ी खरीदने के लिए गई वहां कुछ महंगी साड़ियां थी वो कुछ कम दाम की साड़ियां लेना चाहती थी दुकानदार उनके स्टेटस को जानता था उसने कहा बहन जी दो दिन बाद और माल आने वाला है आप आइएगा, ले लीजिएगा और आपकी बार अपनी मम्मी जी के साथ आइएगा ठीक दो दिन बाद वो अपनी सास के साथ उसी दुकान में गई बहन जी ने आठ आठ सौ रुपए की साड़ियां पसंद की सास ने कहा नहीं आप और अच्छी साड़ियां दिखाओ दुकानदार ने साड़ियां दिखाई और उन्होंने पांच पांच हजार की साड़ियां पसंद की कि आप इन्हें पैक कर दीजिए तीन साड़ियां कहा इनको पैक कर दीजिए बहू ने बीच में ही कहा कि मां इतनी महंगी साड़ियों की क्या जरूरत मुझे तो घर में पहनने के लिए साड़ियां चाहिए मुझे तो घर में पहनने के लिए साड़ियां चाहिए इतनी महंगी साड़ियों की क्या जरूरत सासू ने कहा बेटी मैं चाहती हूं तू घर में भी अच्छी साड़ी पहन अपने पास क्या कमी है मेरा बेटा कमाता है भरपूर देता है तो मैं चाहती हूं कि तू घर में भी अच्छी साड़ी पहन जब अपने पास पैसा है तो उसका अभी उपयोग नहीं करेंगे तो कब करेंगे तू पहन मत सोच मगर माँ ये तो बहुत महंगी महंगी सस्ती की बात मत कर अगर तू चाह तो मैं और इससे भी महंगी लेने की बात कर सकती हूँ लेकिन ऐसी साड़ी पहन मैं जब तू महंगी साड़ी पहनती है ना तो मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता होती है तो ऐसी ही पहन जिस दिन सास के अंदर ऐसी उदारता आ जाएगी उसकी बहू उसके पांव धोकर पीने को तत्पर हो जाएगी आतुर हो जाएगी ऐसा प्रयास होना चाहिए और बहु कैसी होनी चाहिए ये भी बताओ तब तो पूरा होगा एक युवक बड़ा उद्यमी था और उसे भारत उसने भारत से बाहर जाने का आठ दिन घूमने का कार्यक्रम बनाया अपनी पत्नी की भी टिकट बनवा ली पत्नी से जब उसने कार्यक्रम बताया तो उसने कहा नहीं मैं नहीं जा सकती आपको पता है माझी बीमार है और समय उनकी स्थिति ठीक नहीं है हमें उनके साथ रहने की आवश्यकता है पति ने कहा ठीक है घर में और लोग हैं नर्स है नौकर है क्या दिक्कत है तुम चलो बोले नहीं मैं नहीं चल सकती मैं नहीं चल सकती पति ने कहा अभी तो अपने घूमने फिरने के दिन है तुम चलो ना मेरे साथ पत्नी ने कहा नहीं आप मुझे माफ करें इस घड़ी में हमें घूमने फिरने से ज़्यादा माँ की सेवा करने की जरूरत है आप जाइए घूमिए फिरिए, अपना बिजनेस ट्रिप कीजिए और मुझे माँ की सेवा में लगे रहने दीजिए माँ की सेवा के दिन हमें थोड़े मिले हैं व्यापार करने और घूमने के लिए तो पूरी ज़िंदगी मिली है मैं माँ की सेवा करके ही कृतार्थ रहूंगी जिस बहू में ऐसी भावना हो जाएगी वो बहू अपनी सास को माँ जरूर बना लेगी बस ये दोनों स्थितियां बने तो ये सारी दुविधाएं खत्म लेकिन क्या बताऊं ये सब बातें केवल प्रवचनों में ही दिखाई ज्यादा पड़ती हैं